जो है लंदन पहुंच गई, बारिश हो रही है। और वैसे हम ठहरे हुए जो है वो साउथ हॉल पे हैं। साउथ हॉल जो बेसिकली देसियों का गढ़ है, तो इंशाल्लाह वो सुबह मैं देखूंगा और दिखाऊंगा भी आपको साउथ हॉल। अभी हम छोटा सा एक क्विक सिटी टूर पे आए हुए कि देखें, एक्सप्लोर करें सिटी को। साउथ हॉल के अंदर हूँ। साउथ हॉल जो है वो बिल्कुल देसियों का एक इलाका है, जहाँ पे आपको देसियों की हर चीज़ मिलती है। इंडियन पाकिस्तानी जहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर सिख कम्युनिटी और पाकिस्तान की कम्युनिटी रहती है, और उनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे। ये देखिए अब न्यू बाड़ा मार्केट है, ये उर्दू में लिखा हुआ है न्यू बाड़ा। आगा पान म्यूज़िकल शॉप, आगा पान म्यूज़िकल शॉप लिखा हुआ है। या साहिब ज़बान अदरकनी, ज़बरदस्त आगा पान शॉप। अगर आपको ये दिख रही है, ये ग्रॉसरी की शॉप है। शेर पंजाब देखें आप, स्टाइलो पाकिस्तानी शूज़ की इधर दुकान भी है। आशियाना बाज़ार कराची के अंदर, आशियाना बाज़ार इधर की आशीष की। ये 11 बजे के बाद ये मार्केट खुलती है, और इधर 11-12 बजे के प्रॉपरली ऑन होती है। यानी बिल्कुल कराची वाला सीन है, जो ऑनवर्ड्स 12 बजे तक खुली रहती है। तो बिल्कुल कराची वाला मुझे याद आ गया कि हम कराची में ना, और जितनी भी बाजार है मार्केट से वो लेट खुलती है, और यहाँ पे भी लेट ही खुलती है। खान सिटी तो यहाँ पे भी ऐसे ही सीन है कि लेट ही खुलता सिलसिला। ये कहते हैं कि समर्स के अंदर ये इधर तिल रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर लगते हैं, लोग आते हैं। ये नेपाली की शॉप है, नेपाली फ्लैग लगा हुआ, तो वहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर लाए जाते हैं, देखने आते हैं। शॉपिंग होती है, ग्रॉसरी होती है, मसाले ख़रीदने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये इसके लिए भी एक सिग्निफिकेंसी है कि यहाँ पर लोग आते हैं सिर्फ ये एरिया देखने के। स्टेशन पे आके मेरी दोस्त ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, नौशीन आ गई है। नौशीन बताएंगी मुझे आज स्ट्रीट के बारे में और लंदन के बारे में। नौशीन कहाँ जा रहे हैं बेटा? अच्छा, हम जो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बैक साइड पे है, विग्नोर स्ट्रीट है, और यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, स्पेशलिटी है यहाँ पर। तो आज हम इनको एक खास मोरक्कन रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं नौशीन के बारे में बता दूँ। नौशीन जो एक तो मेरी पुरानी दोस्त भी है, और नौशीन के साथ हमारा सीन ये है कि हम एक दफ़ा न्यूयॉर्क के अंदर मिले, और एक दफ़ा कराची के अंदर मिले, और ये तीसरी दफ़ा लंदन में मिले हैं। तो हमने प्लान बनाया कि आप जिस सिटी जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ताकि एक नाइट आउट का या एक डे आउट का सीन लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं विंसल कासल की तरफ आ गया। ये विंसल कासल जो है बेसिकली इसकी एक तो उनका मेन कैसल है बर्मिंघम पैलेस के बाद लंदन के अंदर, और उसकी वजह शोहरत ये थी कि अभी जो हमारी अमेरिकन भाभी थी इनकी, मुझे छोड़ के जा रही, इनकी शादी यहीं पे हुई थी, इनकी प्रिंस हैरी की मेगन से शादी हुई थी, उधर हुई थी विंसल कैसल में। जो होस्ट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो जैक साहब हैं। जैक साहब बताएं इसके बारे में क्या है जो आप लेके आए हैं। विंसल कासल जो है ये एक बिग मैसिव कैसल है, और ये उनकी ऑफिशियल रॉयल्स की रेजिडेंसी है, और जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, जितनी भी तकरीबात होती हैं, उसका गढ़ है, और बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो सच एन अमेजिंग प्लेस, ऑब्वियसली आप इंजॉय करें। जो अतराफ का एरिया हम उसको देख रहे हैं आप। ये पैलेस, ये क्वीन विक्टोरिया मतलब इनकी ग्रैंड मदर थी, शायद ना ग्रैंड मदर थी, जबकि ग्रैंड मदर थी। और इन पे जो मूवी बनी है ना अब्दुल वाली, ये वो अब्दुल विक्टोरिया, विक्टोरिया है ये, चीज विक्टोरिया देख अब आया, चीज विक्टोरिया, ये क्वीन जो प्रेजेंट क्वीन की दादी थी।
कैसल कैसल है उसके सामने एक रोड क्रॉस करके सीधा स्ट्रीट रोड जा रहा है, वहाँ पे अभी ये रिवर है और ये बिल्कुल कैसल की तरफ जा रहा है। ये दरिया थेम्स है जो यहाँ का सबसे बड़ा रिवर है जो हर जगह से कनेक्ट हो रहा है, पूरे लंदन को कनेक्ट कर रहा है। और ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है उसी कैसल से जो हम अभी देख के आए हैं, उसी कैसल से कंटिन्यूटी के साथ लोग वहाँ पे प्रिंस में खास जाए। आप पुराने ज़माने में वॉक होती होगी, अभी भी वॉक होती है। अभी हम लोग आ गए लेक्चर स्क्वायर में, लेस्टर स्क्वायर में आ गए। लेस्टर स्क्वायर के बारे में बताएंगे भाई। सर ये बड़ी अट्रैक्टिव जगह लग रही है, टूरिस्ट प्लेस लग रही है क्या ये? ये ऐसे ही है अंशुल भाई, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर ऐसी लोकेशन है, प्लेस है जो कि 4-5-7 और काफ़ी फेमस प्लेसेस के साथ है, जिस तरह से पिकाडिली है, चाइना टाउन है, ट्रफाल्गर स्क्वायर है, लेस्टर स्क्वायर में इस वक्त हम लोग फिर रहे हैं। और ये तो ओडियन सिनेमा है हमारे लेफ्ट साइड पे, अभी अंशन भाई वहाँ पे दिखाते हैं, दिखाते हैं घुमाएंगे ये नहीं ये कैसीनोज हैं यहाँ, कैसीनोज हैं यहाँ के। अच्छा भाई यार, नाइट 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 आउट का सीन है, नाइट आउट पार्टीज क्लब्स पब्स और कैसीनोज हैं ये। ओडियन सिनेमा, ओडियन लेस्टर स्क्वायर, ओडियन लेस्टर, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल मूवीज का पिकाडिली सर्कस। अच्छा ओके, क्या नाम है? अच्छा लाइक पिकाडिली सर्कस स्टेशन का नाम है, लोकेशन का नाम है, और पुराना शायद सर्कस होता होगा यहाँ पे। तो अब वो जो मूवीज में बिग स्क्रीन नजर आती है आपको लंदन के बीच में, तो वो पिकाडिली के चौक में है। और पिकाडिली जो है एक बिग चौक है जिसके अंदर ये बड़ी स्ट्रीट्स, रीजन स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सारी स्ट्रीट्स हैं इस वन। तो चाइना टाउन की तरफ और चाइना का उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ट्रफाल्गर स्क्वायर जाएंगे। फिलहाल अभी हम चाइना टाउन की तरफ जा रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, ज़्यादा 3-4 मिनट 5 मिनट की वॉक है। और ये दूसरा बिल्कुल ऐसा लगेगा आप चाहे सोहो का एरिया है, किधर सोहो जो वेरी नोटोरियस। अच्छा ठीक है, क्लब सोहो जो है नाइट लाइफ के लिए, नाइट लाइफ गर्दी को छोड़े नाइट लाइफ के लिए जो है वो सोहो है। कौन सा स्क्वायर है ये? लंदन आई दिख रहा है, ये ट्रफाल्गर स्क्वायर है और ये आर्ट गैलरी होती है और यहाँ पे जितनी भी एग्जीबिट फेस्टिवल एंड सो एंड सो यहीं पे होता है। अच्छा ये बड़ी कोई एग्जीबिशन का भी लगा हुआ है। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। कौन सा वाला कैसल था? विंसर कैसल है और ये दूसरी ये बकिंगम पैलेस। इसमें ये कि जिस जगह फ्लैग अगर लहरा रहा हो तो मतलब क्वीन इधर है, तो वैसे क्वीन की ऑफिशियल वो है, वो भी ऑफिशियल है बट ये झंडा तो लहरा रहा है, लहरा रहा है। अगर झंडा लहरा रहा है तो उसका मतलब ये कि क्वीन जो है वो अंदर है। ये हाइड पार्क का रास्ता है, सिर्फ क्वीन यहाँ से जा सकती है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ये बंद है, बाकी दूसरा दरवाजा हाइट पार्क में आप जा सकते हैं।
डाउनिंग स्ट्रीट पे आ गए। इस स्ट्रीट की खासियत ये है कि इधर इनके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो क्योंकि उनका घर नंबर या वो 10 है तो उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। ये डाउनिंग स्ट्रीट ये जिस पे हम हैं ये, और इस डाउनिंग स्ट्रीट के सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर का हाउस है इनका, वो बड़ा ईजीली एक्सेसिबल है। और आप जाके देख रहे हैं, मेरे पीछे दिख रहा है आपको, और ये मेरे पीछे दिख रहा है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये जी डाउनिंग स्ट्रीट के 10 नंबर मकान में इनका प्राइम मिनिस्टर रहता है, जो अभी बोरस है मतलब। ये देखें ये मॉल है, ये इनकी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट हाउस है ईस्ट वेस्ट वेस्टमिंस्टर से। ये बिग बैन, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, ये इनका मशहूर लैंडमार्क है बिग बैन। हम जा रहे हैं लंदन आई की तरफ, ये रास्ता लंदन आई की तरफ जा रहा है। ये पार्लियामेंट से आप सीधा जाएंगे, आप बिग बैन सीधा जाएंगे तो ये लंदन आई की तरफ आप चले जाएंगे। ये सामने चर्च ऑफ इंग्लैंड आपको दिख रही है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप इंटरकनेक्टेड है। पीछे डाउनिंग स्ट्रीट थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस था, उससे पीछे जो है वो दूसरी चीज़ें थी जो हम कवर करते जा रहे हैं। बकिंघम पैलेस था, और ये लंदन आई आ गए हम। ये देखें ये दी फेमस लंदन आई, जहाँ पे हम आए थे न्यू ईयर वाले दिन, जब इनका न्यू ईयर था। अब हमारा वो साइड वाला था, हम फ्रंट पे आए हैं। तो ये आई थिंक यहाँ से हम आए थे, आज यहाँ से आ जाए। ऑलमोस्ट हमारा लंदन का जो है, सारी हमने कोशिश तो की कि कवर कर सके, मगर जाहिर सी बात है पूरा तो कवर नहीं कर सकते आप, लंदन के लिए भी कवर करने के लिए भी टाइम चाहिए, बट मैक्सिमम चीज़ हमने। जी अस्सलाम वालेकुम, बस ये हमारा टूर जो है लंदन का ऑलमोस्ट एंड है। मैं इस टाइम लंदन ब्रिज पे हूँ, ये मेरे पीछे आपको लंदन ब्रिज दिख रहा है। एक लॉन्ग वॉक है, कंक्रीट का ये ब्रिज है, फेमस ब्रिज है। और ये आपको जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है शार्ट है, और ये लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और मेरे पीछे आपको ये टावर ब्रिज नज़र आ रहा है, ये जो पीछे है वो टावर ब्रिज है। टावर ब्रिज की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये कि ये खुलता है और उसके अंदर शिप क्रॉस करती है। पीछे शिप खड़ी हुई है, ये खास इनका रॉयल नेवी का भी शिप खड़ा हुआ, धीरे में आपको शायद दिख नहीं था। तो ये जो शिप है, सॉरी ये जो ब्रिज है, ये ओपन होता है और यहाँ से आप जाते हैं सीधा आगे। उसके बाद कोई ब्रिज नहीं है, और ये जो दरिया है इसको थेम्स कहते हैं। ये दरिया पूरे लंदन को किसी न किसी लेवल पर कनेक्ट करता है, और आप मुख्तलिफ हमने जगह से जो दरिया या पानी वो देखा है, वो थेम्स की शाखें हैं जो मुख्तलिफ जगह जा रही होती हैं। और ये जो थेम्स है वो जाके इंग्लिश चैनल में जाके मर्ज हो जाता है। वॉकी टॉकी बिल्डिंग, बिल्कुल वॉकी टॉकी जैसी रहती है। तो ये जो बिल्डिंग है, इसकी छत के ऊपर गार्डन है, रूफ टॉप गार्डन। साउथ ने बड़ा थ्रू आउट घुमाया भी, आज भी इनको पूरा जो था ट्रिप जो है वो लेके गए। जैक साहब को मैं बुलाऊंगा, जैक साहब थोड़ी देर के लिए आइएगा। तो वो उन्होंने हमें बड़ा थ्रू आउट किया, जैक साहब ने। और ये आज हमारे होस्ट, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर ये हमारे होस्ट थे, उन्होंने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी लंदन के बारे में। और नहीं है बेहतरीन क्वालिटी टाइम गुजारा अंशन भाई के साथ, और होपफुली जब हम लोग मिस करेंगे, होपफुली जो नेक्स्ट टाइम हम समर में आएंगे, ताकि हम डे में ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सके। और सही प्रॉपर खुदा हाफिज़ जी, मज़ा आया इंशाल्लाह, फिर नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ट्रैवल विद अंजन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।